So hey guys, I hope all of you are doing fine and having an absolutely fantastic day. So I am Dr. Vlogger, एक एवेल सर और मैं अभी हूँ, आपको पता है कहाँ पे, कल तो जो लोग वीडियो ने देखा है उनको पता ही होगा क्योंकि मैं अभी हूँ चनंग पडंग नाम के एक विलेज में और यहाँ से आज हम लोग निकलने वाले हैं। आज है 8th of December और हमारा आज का प्लान है कि हम लोग फीफी फॉल्स, कांगसुई फॉल्स ये सब जाएंगे घूमने के लिए। तो अभी हम लोग सब रेडी हो गए हैं, अभी बज रहा है 7:45 जैसे, अभी हम लोग निकलेंगे हमारे होम स्टे से। सो ये हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ऑमलेट, ब्रेड जैम एंड भाई खा रहे ब्रेड बटर। ये विशाल भैया है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हम आपका नंबर दे देंगे हाँ अपने व्लॉग में, ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके बाय। इनका ये वाला होम स्टे, यहाँ पे हम लोग ठहरे थे और अब हम लोग लौट रहे हैं, जाएंगे कुछ वाटरफॉल्स एक्सप्लोर करेंगे। पे लिखा है वेलकम टू क्रांगसुरी, हम लोग जा रहे हैं क्रांगसुरी की तरफ। सो हम लोग क्रांगसुरी की तरफ जा रहे हैं, ये एक फॉल्स है, ये हमारे जो विलेज था शरनंग पिडंग वहाँ से ये अराउंड 1 आवर जैसे लगा, थोड़ा सा समय लगा, 1 आवर 30 मिनट जैसा लगा। और यहाँ पे पार्किंग टिकट हमारा लिया अराउंड 50 रुपीज़। तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे, हम आपको आगे का ट्रेल दिखाते हैं कैसा है। आगे का ट्रेल कुछ ऐसा है, आई गेस वो वाला वाटरफॉल है, वो वाला एंड बहुत सुंदर है मेघालय, सही में बहुत सुंदर है। याद रखना कभी अलविदा ना कहना। ए पूरा गाछ नहीं लेबो, ये है इससे झाड़ू बनता है ये वाला चीज से। तो लेफ्ट तरफ जाएगा तो वे टू लाइफ जैकेट एंड बोटिंग लिखा हुआ है और राइट में आपका छोटा छोटा रूम्स लाइक टॉयलेट दिया है, टॉयलेट है वहाँ पे, चेंज भी कर सकते हैं। एंड हम लोग टिकट काटे, टिकट हमारा लिया पर हेड एडल्ट का 50 रुपीज़ करके, इवन इफ हम लोग बच्चे हैं हम लोग एडल्ट का पेमेंट कर दिए, दो जैसे दिखते हैं क्या कर सकते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं क्रांगसुरी वाटरफॉल्स की तरफ। भाई साहब क्रांगसुरी फॉल्स सीरियसली लुक्स ब्यूटीफुल, लाइक यहाँ पे आप नहा भी सकते हैं लेकिन हम लोग नहीं नहाने वाले क्योंकि हम लोग कहीं और जाने वाले हैं और हम लोग नहा चुके हैं। और यहाँ पे पानी भी बहुत नील है, ब्लू ब्लू वाटर, ब्लू ब्लू स्काई। ये है अगर आप वो बोटिंग के लिए आइएगा या कैंपिंग करने आइएगा तो सामने इस तरह है और राइट की तरफ हमारा वो झरना जाके गिरता है, वो छोटा झरना है, राइट की तरफ जाके आपका झरना है बड़ा वाला। और पीछे में जो टेंट आप लोग को दिखाई दे रहा है दैट्स फॉर कैंपिंग, अगर आप कैंपिंग करिएगा तो आपका 1000 पर नाइट लेगा और अगर उसमें आपका डिनर लंच ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं होगा, अगर डिनर लंच ब्रेकफास्ट लेना है तो आपको 1500 पे करना पड़ेगा पर डे का। और यहाँ पे बोटिंग भी अवेलेबल है, पर बोट का 100 रुपीज़ करते हैं, तो बोटिंग भी कर सकते हो। हाँ बहुत सुंदर जगह। Sometimes I wish that I didn't care.
तो दिस वॉज आवर एक्सपीरियंस एट कांगशुरी फॉल्स. ये पूरा बीच जैसा जगह है. हम लोग बहुत सारा फोटोशूट्स किए, बहुत सारा वीडियोस क्लिक किए एंड आई होप आप लोग को सिनेमेटिक्स पसंद आएगा. सो अभी यहाँ से निकलते गाड़ी की तरफ जाते क्योंकि हम बहुत टाइम क्रंच में चल रहे हैं और हमें जल्दी जल्दी हर जगह घूमना है. सो हमारे भैया ने हमें एक ढाबा में लेकर आया जिसका नाम है के ढाबा एंड कार वॉश. तो मतलब यहाँ पे कार वॉश भी होता है और एक ढाबा भी है. और ये है वो ढाबा और ये बहुत सुंदर ढाबा है. अभी हम वेज थाली ऑर्डर किए हैं और अब जाएंगे वेज थाली का मज़ा उठाएंगे. सो ये है होटल का इंटीरियर जहाँ पे हम लोग खाना है और बहुत ठंडे भाई साहब. तो खा के अभी लौटेंगे. मेरा भाई यहाँ पे कर दे रहा है. सो 160 में हम लोग को इतना सारा खाने का दिया है. सब्जी दाल चटनी या अचार है, चटनी फिर सब्जी फिर नींबू प्याज चिली चौप भात पापड़ बहुत कुछ दिया है. अभी ये खाना शुरू करते हैं. साथ में मीठा में एक डिज़र्ट जैसे भी छोटा सा सेवई का कुछ घोल दिया है. ये बहुत ही मीठा है लेकिन अच्छा है. वहाँ हमारा लेमोनेड जो हम लोग अभी जल्दी पी के भागने वाले हैं. आज सो दिस इज अस गोइंग टूवर्ड्स फिशी फॉल्स. सो एक वाटरफॉल है. ये हमारा सेकेंड डेस्टिनेशन था आज का. तो दो ट्रेल है. एक तो बहुत आगे था वो हम आपको दिखाई नहीं वीडियो में. वहाँ पे क्या होता है गाड़ी वाले वहाँ पे रोक देते हैं तो वहाँ से आपको बोट पकड़ के आना पड़ेगा. 500-600 बोट वाले लेंगे. और जो ड्राइवर वहाँ पर है हमें यहाँ से लेकर आ रहे हैं. ये थोड़ा अलग ट्रेल है. यहाँ पे लोग ज़्यादा आते नहीं. रास्ता बन रहा है, कच्चा रास्ता है. तो यहाँ वहाँ पे है कि आपको बोट पकड़ के आना पड़ेगा. यहाँ पर आपको बोट पकड़ के बस आपको थोड़ा सा ये ट्रेन पकड़ लीजिएगा तो आप फिशी वाटरफॉल्स तक पहुँच जाएगा बिना कोई बोटिंग के. बस बहुत चलना पड़ता है. पूरा घूम के हम लोग ऐसे जाएंगे. इस ब्यूटीफुल फिफी फॉल्स और वहाँ तक जाने के लिए हमें ये रास्ते से जाना पड़ेगा. हम फिफी फॉल्स के पास पहुँचते हैं और दिखाते हैं सामने का सीन. दे आर जस्ट मेकिंग इट. ये जस्ट डिस्कवर हुआ है. सो रास्ता का हालत अभी भी बुरा है पर ये अभी भी बन रहा है. एंड आपको तो दिख रहा होगा इवन दिस लुक्स ब्यूटीफुल. द वे टू फिफी फॉल्स भाई क्या सुंदर लग रहा है. So right here we are at Fifi Falls. Wow! It's beautiful.
ओ भाई साहब क्या मस्त है। क्या सुंदर लग रहा है यार। ये रहा वाटरफॉल, ये रहा नीला पानी, और वो रहा आसमान, नीला आसमान, सब कुछ नीला। I love that. और फीफी फॉल्स के साइड में ऐसा कुछ सुंदर नज़ारा है, माय गॉड, सही में सुंदर है यार, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो बहुत देर यहाँ पे रहने के बाद, कुछ अच्छे पल बिताने के बाद, हम लोग सब यहाँ से लौट रहे हैं। आप लोग को ज़रूर फीफी फॉल्स आना चाहिए, वही क्या होगा, आप लोग को ज़रूर फीफी फॉल्स आना चाहिए, क्योंकि This is a place worth visiting, यार। So, हम लोग वहां से आए थे। यहाँ पे एक बड़ा सा रिजॉर्ट है, छोटा नहीं बोलने वाले हम इसको, हम ये बोलेंगे बड़ा सा रिजॉर्ट है और बहुत प्राइसी भी है। और हम लोग वहां से आके यहाँ पे अपना गाड़ी रखे हैं। वो छोटा सा व्हाइट रंग का जो गाड़ी है वो है हमारा भाड़ा वाला गाड़ी। तो ये है हमारा गाड़ी, वहाँ पे राजा भैया जो हमारे लिए सारा बुक कर दे रहे हैं, गाड़ी वाले खोज दे रहे हैं। अभी यहाँ से निकलेंगे हम लोग, शिलोंग में अभी हम लोग गुवाहाटी जाएंगे, वहाँ पे पल्टन बाजार में हम लोग एक रूम बुक करके रहेंगे और तब हम लोग ट्रेन पकड़ के जाएंगे। सो ये भैया बहुत ही अच्छे हैं, इनका नंबर हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग चेकआउट कर लेंगे। अगर कहीं कभी घूमने आते हो तो इनको कॉल करके इनसे सारा कितना पैसा लगेगा, कितना पर घूमेगा, कहाँ कहाँ घूमेगा सब जान लीजिएगा। सभी रखते हैं और निकलते हैं हम दूसरी गाड़ी पकड़ने के लिए। टाटा। राजा भैया इनका नंबर हम दे देंगे, ठीक है, और कोई बुकिंग वुकिंग आने से हम बता देंगे आपके बारे में, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ आते हैं, बाय 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 बाय। टाटा। आराम से हाँ यहाँ पे बैठ जाएंगे आप। गाइज यही तक था मेरा मेघालय का ट्रिप, बहुत ही दिल जान देकर मैंने ये व्लॉग बनाया है। आई होप मेरे साथ ये मेघालय का वर्चुअल टूर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन में क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम कोई न्यू व्लॉग अपलोड करें आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। सो अभी के लिए इतना ही है किसी दूसरे मज़ेदार ट्रिप में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद।